दोस्तों आज हम देखेंगे क्या होता है माहौल जब एक छोटे से गांव में रहने वाला बाप अपने बेटे से मिलने के लिए पहली बार एक बड़े शहर में आ जाता है। अरे पापा वो कपड़े सुखाने के लिए नहीं है, हाथ सुखाने के लिए। ये हुई ना बात, ये दो बूंद पानी के लिए इतनी मेहनत। क्या भैया आज खाना मिलेगा के नहीं? कुछ मदद चाहिए तो बोलो, अंदर आके रोटी बेल दूंगा। हमारे गांव में ये सेम थाली 50 का मिलता है। आज इस टर्किश आइसक्रीम वाले का दिन खराब था यार, जो मेरे पापा के साथ इसका दर्शन हो गया। अंदर घुसने के लिए एक दूसरे का मुंह तोड़ के जाते थे लोग। अरे पापा कहाँ गए? पापा पापा, क्या शहर का माहौल में वो अपने आप को ढाल पाएंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों आज हम अपने पापा को पुणे घुमाने ले जा रहे थे। नहीं पापा, आपको कैब बुक करने देंगे ही नहीं। No. क्योंकि इनको तो सरकारी बस में ट्रैवल करके पैसे जो बचाने हैं। Nice. लो आ गई बस। चल चल बेटा, गाड़ी आ गई, अब सस्ते में घूमेंगे। अरे पापा पापा, मैं ब्लॉगर हूँ एंड ब्लॉगर हमेशा खिड़की वाली सीट में ही बैठते हैं। वाओ, ये देख रहे हो दोस्तों? हाँ मस्त टकला है रे। अरे ऊपर एलईडी स्क्रीन देख, थोड़ी देर हुई थी कि नहीं कि बस में घमासान शुरू हो गया। अबे तुझे दिखता नहीं क्या, ये लेडीज सीट है, पुलिस बुलाऊं क्या? उठ उधर से। मैं नहीं उठूंगा, पैसे दिए हैं मैंने। यहाँ साफ साफ लिखा है फॉर लेडीज। तू लेडीज है क्या रे? सर पे तो बाल नहीं है, कैसे लेडीज हो गया रे तू? क्यों पंगा लेते हो उनसे? देखें क्या ये, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हो, दूसरे तरफ लड़का लड़की में भेदभाव भी करते हो। अबे इक्वालिटी के चक्कर में तू क्या लेडीज टॉयलेट में भी घुसेगा? पिछले एक घंटे से यही चल रहा है दोस्तों, और पापा इस झगड़े का पूरा आनंद ले रहे थे। ये लो गाड़ी भी बंद हो गई। सो गाइस, मेरे पापा को ना एरोप्लेन देखने का बहुत शौक है, और छोटे शहरों में तो एरोप्लेन होता नहीं है। तो इस ऑटो वाले भाई साहब ने हमको कहा कि एक ऐसे जगह छोड़ेंगे जहाँ प्लेन लैंड होते नजर आते हैं, वो भी बहुत नजदीक से। अबे ये कहाँ छोड़ दिया हमको? दोस्तों घंटों खड़े होने के बाद सिर्फ एक ही प्लेन देखना नसीब हुआ। बेटा महंगाई की मारे लगता है एयरप्लेन्स भी आजकल सरकारी बसों में ही ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए एयरपोर्ट में कोई नजर ही नहीं आ रहे। खैर छोड़ो, अभी हम पापा को मॉल घुमाने ले जा रहे हैं। अरे पापा, ओ सॉरी, क्या है ना, पापा जी का पेट पहले आता है फिर पापा आते हैं। पापा पहली बार मॉल जा रहे हैं, आर यू एक्साइटेड? यस बेटा, यस यस। तो दोस्तों हम पापा को लेके पुणे के सबसे बड़े मॉल फिनिक्स मार्केट सिटी में आ गए। पापा का एक्सपीरियंस यहाँ कैसे होने वाला है देख के बहुत मजा आएगा। पापा पहले कहाँ जाए सबसे पहले बताओ? हमको पहले खाना चाहिए बेटा, चलो। नाइस। इस पुतले को देख के एक शायरी याद आती है बेटा, सुनोगे? हाँ पापा सुनाइए इरशाद। चिंग चोंग चिंग चोंग चुंग चिंग 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 चिंग। तो गाइस पापा को भूख लगी है, उनको खाना चाहिए, पर मुझे टॉयलेट चाहिए। पर जैसे ही मैंने टॉयलेट में एंटर किया, टॉयलेट के इन ग्लासेस को देख के मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अबे यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है यार। अरे पापा वो कपड़े सुखाने के लिए नहीं है, हाथ सुखाने के लिए है। हाँ पापा, उस बटन को दबाने से पानी निकलेगा। अरे बट पीते कैसे हैं रे? अरे पापा मुंह से पीना होगा। हाँ तो मुंह से ही पीना है ना, तू कहीं और से पीता है? अरे क्या? पापा हाथ से नहीं मुंह से। ये हुई ना बात, ये दो बूंद पानी के लिए इतनी मेहनत। हमारे गांव चल, तुझे दिखाता कैसे चापाकल से हम पानी निकालते हैं, ढाई 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 करके, जिसको हम सुर 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 करके पीते जाते हैं। जल्दी से पापा को कुछ खाना खिलाना होगा गाइस, वरना पूरे मॉल को सर पे उठा लेंगे वो। फिलहाल हम अपने खाने का वेट कर रहे थे। नाइस। दोस्तों बस 2 मिनट हुआ था ऑर्डर करके, और पापा से रहा नहीं जा रहा। 2 बार जाके पूछ चुके हैं कब तक आएगा खाना। Oh, no! अरे इतना लेट करते हैं क्या बड़े शहरों में खाना लाने में? अरे पापा बड़े मॉल्स में ऐसा ही होता है। काहे का बड़ा मॉल अगर सर्विस इतनी स्लो है तो? हमारे गाँव चल, मांगने से पहले ही ऑर्डर टेबल पे आ जाता है। Okay. 8 मिनट वेट करने के बाद पापा जी का सब्र का बांध फाइनली टूट जाता है। क्या भैया आज खाना मिलेगा के नहीं? कुछ मदद चाहिए तो बोलो, अंदर आके रोटी बेल दूंगा। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानोगे ना, बंद कर दो ये होटल। हमारे गांव में ये सेम थाली 50 का मिलता है। What? अरे पापा ये मेट्रो सिटी है, यहाँ 300-400 के नीचे बात ही नहीं होती। अरे पापा ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अरे यहाँ चम्मच से खाना खाना होता है। बेटा मेरा हाथ सही सलामत एंड साफ सुथरा है, रोज नहाता हूँ मैं। तुम सब गंदे हो, रोज नहाते नहीं हो, इसीलिए चम्मच से खाते हो। What? हाथ धोने के लिए कोई सिस्टम नहीं है क्या इधर इतने बड़े मॉल? अरे में? पापा यहाँ हाथ नहीं धोते, टिश्यू से पोंछते हैं बस। अबे ये अंग्रेज की औलाद, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, खाने के बाद हो या टॉयलेट के बाद हो, हम पेपर यूज नहीं करते, हमको चाहिए शुद्ध पानी। ओके पापा गलती हो गई, चलो चलो वॉशरूम चलते हैं। आज इस टर्किश आइसक्रीम वाले का दिन खराब था यार, जो मेरे पापा के साथ इसका दर्शन हो गया। अरे देना यार। हे
ये लो अंकल, आप जीत गए, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। पापा ने सबकी वाट लगा दी है गाइस, जल्दी इनको ऐसी जगह लेके जाना पड़ेगा जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, इसीलिए मैंने प्लान किया इनको रक्षाबंधन फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। सो गाइस फाइनली मैंने पापा को आइनॉक्स लेके आ गया, जहाँ थिएटर के अंदर कैद रहेंगे तो कम से कम किसी की बेइज्जती तो नहीं कर पाएंगे। सर कुछ हथियार बॉम्ब वगैरह लेके आए हो तो निकाल दो प्लीज। ओके लो निकाल दिया। मूली के पराठे। अरे बेटा वो क्या है, दवा मिलता उधर? इधर पापा। अरे पापा नहीं 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 नहीं, वो दवाई नहीं मिलता उधर, गंदा है वो, उधर ध्यान मत दो। फिर दवा क्यों लिखा है उधर? तू जा, मैं दो मिनट में आता चेक करके। अरे पापा नहीं 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 नहीं। अरे पापा पॉपकॉर्न खाएं क्या? हाँ खाते हैं ना। कितने का एक पैकेट? 300 का एक पैकेट। क्या ये चार पॉपकॉर्न के टुकड़े 300 में बिक रहे हैं इधर? तू पागल तो नहीं हो गया? 5 रुपए के पॉपकॉर्न 300 में खाएगा? चल चल, बिना पॉपकॉर्न के मूवी देखना पड़ेगा गाइस। बेटा 10 रुपए का मिनरल वाटर भी यहाँ 60 में बेच रहे हैं लोग। हार्ट अटैक आते आते मुझे रह गया, या इसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ है क्या? अरे भाई ये स्क्रीन खुल क्यों नहीं रहा है जल्दी? अरे पापा चलो चलो, खुल गया स्क्रीन। ये क्या है रे, भीड़ भाड़ नहीं, हमारे गांव के थिएटर में आता, अंदर घुसने के लिए एक दूसरे का मुंह तोड़ के जाते थे लोग, और ये देखो एक मक्खी तक नहीं है इधर। अरे ये क्या है रे, बस 5 ही लोग है पूरे थिएटर में। अरे पापा बहिष्कार बॉलीवुड चल रहा है ना, फिल्म शुरू ही हुई थी के बाजू में खर्राटे की आवाज आई। अरे पापा फिल्म देखो ना, पैसे दिए हुए हैं। इंटरवल होते ही जब हमने साइड में देखा तो पापा कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। अरे पापा कहाँ गए? पापा पापा। अरे बेटा ऊपर दे। अरे पापा वहाँ क्या कर रहे हो? वो VIP सीट है, हमने वो बुक नहीं किया है। हम तो इधर ही सोएगा साला। और पापा बताओ फिल्म कैसा लगा? शर्म नहीं आ रही तुझे ये पूछते हुए? मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा ऐसे फिल्मों पे प्रतिबंध लगाएं। इससे अच्छा आप सीधी दास के वीडियोस लगाइए, थिएटर में फुल हाउसफुल जाएगा सोच। सो कुछ यूं गुजरा आज का पूरा दिन, फिर हम थके हारे घर की ओर लौटने लगे। अरे पापा। ओ पापा कहाँ बैठे हो जरा देखो। अरे अंकल आपको दिखता नहीं क्या, ये लेडीज सीट है। अच्छा तो बेटी, सीट ने आपको खुद बोला था क्या वो नर है के मादा?